प्रशासन ने आज और कड़े निर्बंध के साथ नई नियमावली की घोषणा की है। साथ ही दिए गए निर्देशों का उल्लंघन होने पर संबंधित दुकान को 31 मार्च तक सील करने की चेतावनी दी है। संक्रमितों की लगातार बढ़ रही संख्या को देखते हुए अब प्रशासन ने कड़े कदम उठाने का निर्णय लिया है। ज्यादातर भीड़ दुकानों पर देखी जा रही है, इसलिए प्रशासन ने इन पर ध्यान केंद्रित कर नए प्रतिबंधात्मक नियमों को जारी किए हैं, जिसमें सबसे पहले दुकानदार और उनके कर्मचारियों को एंटीजन टेस्ट हर हफ्ते करना जरूरी बताया है। दुकान में आने वाले ग्राहक को मास्क लगाकर ही आने दिया जाए। दुकान में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कड़ाई से हो। होटल में 50% का नियम बनाया गया है। जिस टेबल पर 4 लोग बैठते वहाँ 2 ही लोगों को बैठने दिया जाए। दुकान में आने वाले हर ग्राहक को सैनिटाइज करके ही प्रवेश दिया जाए। साथ इसके पूर्व जो निर्देश दिए थे वे भी उसी तरह अमल में लाए जाए। इस तरह के नए प्रतिबंधात्मक निर्देश जिलाधिकारी के आदेश पर जारी किए जाने की जानकारी उपविभागीय अधिकारी चंद्रबान खंडायत ने दी है। निर्देशों का पालन किया जा रहा है कि नहीं, ये जांचने के लिए शहर को 8 हिस्सों में बांटा गया है और 8 कोरोना प्रतिबंध दल गठित करके उन्हें दंडात्मक कार्यवाही करने के अधिकार दिए गए हैं। जो कोई भी नियमों का उल्लंघन करते दिखाई दे उसकी दुकान 31 मार्च तक सील किए जाने की चेतावनी दी गई है। आम्ही चंद्रबान खंडायत उपविभागीय अधिकारी हिंगणघाट COVID-19 अंतर्गत माननीय जिल्हाधिकारी महोदय यांनी काल एक आदेश निर्गमित केलेला आहे। तर केंद्र राज्य सरकारच्या सूचनेनुसार त्यामध्ये काही कठोर निर्देश प्राप्त आहेत। त्याअंतर्गत जे हॉटेल रेस्टॉरंट आहेत ते 50% कॅपॅसिटीने चालवायचे आहेत। सोबतच जे मॉल्स आहेत त्या ठिकाणी सुद्धा 50% कॅपॅसिटी आणि त्यामध्ये एंट्री करताना टेम्परेचर मोजण्यासाठी गन मेटल तिथे ठेवायचं आहे। सोबतच सर्व जे ग्राहक येतील ते मास्क लावून येतील आणि सॅनिटाईज करूनच आतमध्ये येतील आणि सोशल डिस्टन्सिंग मेंटेन करतील। समजा असं केलं नाही तर त्यांच्याविरुद्ध कडक कारवाई, म्हणजे जी केंद्र सरकारची अधिसूचना आहे त्या सूचनेनुसार जोपर्यंत प्रतिबंध लागू आहे तोपर्यंत तो दुकान बंद राहील, म्हणजे सील करण्यात येईल। सोबतच त्यांच्याविरुद्ध दंडात्मक कारवाईसुद्धा करण्यात येईल। तर ह्या अनुषंगाने मी नगर परिषद हिंगणघाट ह्या ठिकाणी आज सकाळी 11 वाजता आम्ही नियोजन असं केलेलं आहे का पूर्ण शहरामधलं जे 8 पॉकेटमध्ये डिवाईड केलं आहे, म्हणजे जे मार्केट एरिया वगैरे, आणि 8 पॅकेटचं दररोज 1-1 मीटिंग घ्यायची आणि त्या मीटिंगनुसार त्या त्या क्षेत्रातील त्या त्या पॅकेटमधले जे दुकानदार आहेत तर त्यांची त्यांना नगर परिषद हद्दीमध्ये नगर परिषद कार्यालयामध्ये अँटीजन टेस्टसाठी आम्ही कॅम्पचे आयोजन केलेलं आहे। बीसीएन न्यूज के लिए हिंगणघाट से रवी येणुरकर की रिपोर्ट।